हाय थैंक्स। आज का जो विषय है सो इसमें वी हैव वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द बैकग्राउंड म्यूजिक जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग। अक्सर ये होता है कि जब हम बैकग्राउंड्स करते हैं तो वेलकम एवरीवन, मैं बाद में क्वेश्चन आंसर आपके बाद में ले लूंगा। आई टेक क्वेश्चंस एंड आंसर लेटर ऑन। सो व्हाट हैपेंस इज द डायरेक्टर डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में एक चीज है, कई बार ऐसा होता है पूरा पीस बना लिया आपने बहुत सारे ट्रैक्स यूज करके एक ऊपर आपने पंखा, और उसके बाद आप जब आप क्लाइंट या डायरेक्टर या जो भी आते हैं एंड दे सी द सीन विद द बैकग्राउंड, दे हैव समथिंग एल्स इन देयर माइंड। एंड अक्सर ऐसा होता था कि पहले जमाने में सुबह हुई तो ऐसा करके म्यूजिक बजता था और साथ में थोड़ा सा हल्का फुल्का वाइब्रोफोन बज गया, थोड़ा संतूर बज गया। इफ वी अंडरस्टैंड साइकोलॉजी एंड देन वी अप्लाई बैकग्राउंड देन इट बिकम्स इजियर एंड सिंपलर, प्रोवाइडेड कि डायरेक्टर के मन में कुछ है एंड दे वांट समथिंग स्पेसिफिक, देन यू नीड टू बी क्लियर अबाउट द कम्युनिकेशन। फिर भी उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि टीम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, सो दे डोंट हैव दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और कई लोग ये कोशिश करते हैं कि अच्छा आप थोड़ा सा बना लीजिए बाद में देखते हैं। एंड वेन अ कंपोजर और अ प्रोग्रामर और एन अरेंजर, और वो ऐसा होता है कि बिकॉज वी आर गिवन सम मनी एंड वी हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट और वी हैव डन अ कमिटमेंट, वी हैव टू डू इट। चेंज ओवर्स है स्पेसिफिकली, तो उन सब के लिए कई बार इश्यूज हो जाते हैं। अगर हम मैं आप आज आपको जो बताने जा रहा हूं, मेरा मेरा जो पॉइंट है वो आई हैव डन होमवर्क, आई एम टेकिंग रेफरेंसेस ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ मेंटल हेल्थ, सो दोज डेफिनेशंस कोई भी डायरेक्टर इसको डिनाई नहीं कर सकता है इफ दे वांट टू डिनाई एनी वे, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं या प्रोड्यूसर ने हमने पैसे दिया और वी एंड वी हैव आवर ओन पॉइंट एंड वी वॉन्ट अवर वे, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई विल गिव यू अ जनरल गाइडलाइंस ऑफ वॉट एक्सप्रेशन मीन्स वॉट एंड वॉट कैन यू गिव एज बैकग्राउंड। आई डोंट थिंक कि ये चैप्टर इसके पहले कहीं किसी ने रिवील किया हो। या पीपल टॉक अबाउट साइकोलॉजी सेपरेटली, पीपल टॉक अबाउट म्यूजिक सेपरेटली, बट नो वन हैज मर्ज्ड साइकोलॉजी एंड आई, कोई होगा तो अच्छी बात है, हम सीख लेंगे उनसे। फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट विद अ पीस जो मैंने एक फिल्म के लिए बनाया था। अभी ये मल्टीपल यूज के लिए था ये पीस। नाउ सपोज वी हैव अर्लियर, पहले क्या होता था कि जैसे अभी जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग के लिए अलग होता था, फिर अर्ली एज में आप देखोगे तो Thank you.
काफी डिमिनिश यूज कर लिया। थैंक यू मीरा जी, या आई विल कम टू द आंसर्स ऑफ द, पहले मैं सब्जेक्ट पे बात कर लू, एंड आई डेफिनेटली आई एम सॉरी आई एम नॉट अटेंडिंग कॉमेंट्स राइट नाउ। नाउ फॉर एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेशन, कोई कह रहा है कि अभी यहां पे फ्रस्ट्रेशन है। सो व्हाट डज फ्रस्ट्रेशन मींस? फ्रस्ट्रेशंस का डेफिनेशन है इंटरफियर इन डिजायर्ड एक्शन। सो डिजायर्ड एक्शन में इंटरफियरेंस होता है, उस चीज को साइकोलॉजी में फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है कि मैं ये करना चाहता था और मैं ये नहीं कर पाया। सो यू कैन यूज इंटरफियरेंस इन डिजायर, डिजायर यानी ड्रीम डिजायर बाजू बाजू के हैं। सो यू कैन यूज मे बी अ टिंकलिंग साउंड, अ पियानो साउंड, और यानी यू नो क्रोंग क्रोंग क्रिंग क्रोंग। इट कैन बी ऑफ अ सेलेस्टा, इट कैन बी ऑफ ग्लोकेनस्पाइल, इट कैन बी ऑफ अ हार्प, और इट कैन बी ऑफ एनी सब्जेक्ट, बट वन एंड एट द सेम टाइम यू पुट सम शॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेसी काइंड ऑफ म्यूजिक that may of a string sound ya jaise abhi samjho where you can use four part harmonies and seven sharp nine seventh वगैरह जो tension chords कहते हैं हम लोग। जो भी यूज करना है अभी आई डोंट हैव द राइट साउंड हियर, लेट मी गेट टू द राइट साउंड। आई हैव वन XV30 एंड वन माइक्रो अरेंजर कॉर्ड, सो दीज आर वेरी वेरी नॉर्मल साउंड्स, वेरी लेस देन एवरेज साउंड्स व्हिच आई एम यूजिंग, एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी, आई एम यूजिंग कंपनी साउंड्स, मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, बट यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इट। Some theme in your mind, like as I said, ki suppose ek theme hai, jo ye theme aapke mind mein hai, then you can, you know, using my hand finger force to change the levels, you can use headphones to get the lows and other frequencies. For example, depression is a, according to psychology, is a feeling of hopelessness and helplessness. तो अब डायरेक्टर ये कहते हैं कि the character is in a depression and blah 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 blah. So you can use अब hopelessness के लिए क्या music हो सकता है? So it is anti-hope. Anti-hope means again, let's assume kling klong as a dream or a desire. Let's associate sound with emotions. So if I am using a इस जीवन के ऊंचे अंबर पे कभी अरमानों के पंख लगा करके कभी मैं उड़ जाना चाहूं, सपनों में
जाने अनजाने दीवानी हो जाती हूँ मैं, सात सुरों के जादू में खो जाती हूँ, तन्हाई जब घेरे जागे मन में मेरे, प्यार भरी एक सरगम। सो आई मीन what I am representing is a dream. So dream, desire comes into one block. So if I am using arpeggio for dream or desire, for example, because ये उड़ने वाली एक बात है, यानी सपनों में उड़ता है आदमी. So you can represent anything. ये मैं आपको एक in general example दे रहा हूँ. उसी तरह से depression is a feeling of hopelessness and helplessness. So if you want to use strokes or piano kind of sound, then that has to be a kind of a, you know, you can take the sound inversions, which are like, this is a Roland piano. I am changing the cutoff because too much of bright sound keeps a mind into presence. ज़्यादा जैसे अभी ये बहुत ही presence ही sound है. So if you want to use, you can add on with some reverb and effect. तो वो थोड़ा trance ही हो जाता है sound. Normally अगर आपको थोड़ा सा trance में लेना है तो sound का attack थोड़ा कम होना चाहिए या presence के sound नहीं होने चाहिए. For example. This is a major chord, so anyway it sounds a bit happy. So I may, you know, use maybe a kind of, right? मैंने एक example दिया, जैसे piano है या और कोई, जरूरी नहीं कि आपको piano sound ही use करना है. Can use, like अभी ये देखो, ये नी सा न सा प नी, ये नोट है समझो. अब इसका जो रेजोनेंस या इसका जो बूम है, दैट गिव्स अ काइंड ऑफ अ ड्रामेटिक ड्रामेटिसिज्म इनटू द दैट गिव्स. जैसे एक साउंड ऐसा होता है जो आपको प्रेजेंस में लाता है और एक साउंड ऐसा होता है जो आपको ट्रांस में लेके जाता है, या एक combination of sound. Now if I'm using these instead of this, एक feedback जैसा sound चल रहा है, right? Now let me, this is just a plain simple Roland XP30 sound. So it is not important. Most of the people I have seen is they are engaged into, they talk about sounds. Ki Vienna Symphony use kar lo, ye kar lo, wo kar lo. And no, it's not. Main aapko ek ye ordinary sa keyboard hai jiski keemat takriban 40,000 rupiya hai India mein. To ye, it comes under a कैशियो से थोड़ा ऊपर का कैटेगरी का कीबोर्ड है मेरे हिसाब से. आई एम नॉट पुटिंग द कीबोर्ड डाउन, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि फोकस ऑन व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट योर माइंड कैन थिंक. गो फ्रॉम 60s, 40s, 50s, 60s मूवी के स्नैपशॉट्स लीजिए आप अपने माइंड में. सपोज ये एक साउंड है, दिस इज अ काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन जो मैंने अभी, इट इज फ्रॉम माई राइट ब्रेन, आई हैव नॉट इवन थॉट ऑफ दिस, राइट.
singing is specific to a C minor scale or a minor melody where it has some, if I want to use some theme, so then I will go एक ऐसे theme decide किया है या जो कोई किसी film का गाना है तो उस film को अगर आपको इस्तेमाल करना है then it's a different story. Frustration, anxiety you can anxiety is an anticipating danger, yani a kind of a एक डर को हम anticipate कर रहे हैं, जैसे कुकर फटने वाला है या कुकर बम फटने वाला है और हम लोग वहां पे खड़े हैं, and what we feel is an anxiety. So स्ट्रेस के लिए पहले जमाने में जो संगीत इस्तेमाल होता था, यानी इसी लोगों के मन का वक्त के साथ डेवलपमेंट हुआ है आज की फिल्मों, पहले जमाने में ये था कि टैंग ऐसा मतलब बस कुछ डाल दो, एंड अर्लियर इट यूज्ड टू बी कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर ने जब फिल्माया है सो दे हैव मेनी टेक्निकल इश्यूज, एक्शन रिएक्शंस, उनके पास फुटेज कम होते थे, सबसे बड़ा डर होता था कि रॉ मटेरियल ज्यादा यूज ना हो जाए नहीं तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उस डर में कई बार एक्स्ट्रा शॉट्स लेना भूल जाते थे या एक्स्ट्रा शॉट्स ज्यादा ले लिए, तो कई बार अक्सर ऐसा हुआ है कि ज्यादा खर्चे से बनी हुई फिल्में शान है शालीमार है कि जिसमें ज्यादा ध्यान रखा गया हो, जहां पे फुटेज की फिक्र नहीं की गई हो, बट अ पार्ट ऑफ दैट देयर वाज सम समथिंग दैट वाज मिसिंग. व्हाट वाज मिसिंग, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, व्हाट यू हैव ओके कम ऑन आई रिमेम्बर दैट वियना सिम्फनी में ये था, एक्स वाई जेड में ये था, फलाना में ये था, फलाने में ये था, एंड यू ट्राई टू पुट यू नो एंड देन फाइनली यू रियलाइज दैट यू हैव मिस्ड द जिस्ट ऑफ इट, कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कि मैं अगर दुखी हूं तो अब क्योंकि when I am working with the sound, I am not working with the melody. So you need to, I am not saying कि sound का important नहीं है. Yeah, कई लोग इतने smart होते हैं कि they have such a great command over the legatos, the slurs, उन सब का combination करके वो उतना अच्छा कर सकते हैं that they can merge things. बट टू मी, मेरा अगर आप सुने तो कई बार अभी जैसे ये बहुत ही फेमस बहुत ही घिसा हुआ प्रोग्रेशन है हॉलीवुड फिल्मों में, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो एक टॉप 10 नाम लिए जाते हैं जॉन विलियम्स और उस तरह के जो यूनिवर्सल फिल्म्स और जिनसे कनेक्टेड हैं, आप सुनिए उनको, आप सबके संगीत सुनिए, पर आप एट द सेम टाइम हाउ टू नेम इट, नथिंग बट विंड बाय इलैयाराजा और सत्यजीत रे ने खुद ने बैकग्राउंड्स किए हैं वो सुनिए, उन फिल्मों को देखिए, उन फ्रेम्स को देखिए. शेखर कपूर जी की फिल्में हैं मिस्टर इंडिया, प्रहार नाना पाटेकर जी की, और एक बहुत अच्छी फिल्म मेरे मन में थी फुलन देवी की जो फिल्म थी बैंडिट क्वीन. प्लीज सी हाउ दे हैव यूज्ड द पेन एंड द काइंड ऑफ स्टफ एंड देन यू अप्लाई प्रोग्रेशंस, देन यू डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ टेक्निकलिटीज. आप एबीज देखोगे, पोल्टरगेस्ट देखोगे, Bond movies देखोगे, they have altogether a different approach. But at the end of the day, जब मैं Universal Studios में गया था तो सब अलग अलग उन्होंने बनाए कि ET, एक में 3D पे ET देख सकते हो, एक में Terminator देख सकते हो, एक में आप कोई अलग मूवी का देख सकते हो, and it's all 3D, मतलब तीनों साइड स्क्रीन लगे हुए हैं. जब मैं 4-5 थिएटर के बाहर निकला तब मुझे ऐसा लगा कि विजुअल्स तो बहुत अच्छे थे पर सारे का म्यूजिक एक जैसा लगा मुझे, जैसे सारे गाने भैरवी बन गए जैसा लगता. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाउ कैन, आई मीन
मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एंड इट्स अ स्पॉन्टेनियस थॉट, मैंने इसके लिए इसके अलावा स्क्रिप्ट नहीं बनाया है, कि कई बार ऐसा होता है कि कोई साउंड्स ऐसे हैं उनका इतना वजन है कि वो एक साउंड से, ये जनरल मीडी का रोलैंड XP30 का साउंड है, आपको सुन के पता चल रहा होगा कि ये मैं कहाँ पे हूँ जनरल मीडियम में, जो लोग रेगुलर यूज करते हैं। अब ये साउंड है, ये साउंड का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। कुछ नहीं किया है मैंने, बट या एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि द कम्युनिकेशन विद डायरेक्टर इज द मोस्ट, बिकॉज डायरेक्टर का जो DQ है, डायरेक्शनल क्वोशंट, उसको समझना जरूरी है। मैंने कई सारी बड़ी बड़ी सीरियल्स छोड़ दी है मैंने, क्योंकि डायरेक्टर आते नहीं थे, उनके असिस्टेंट आते थे और जिनके पास कोई DQ नहीं होता था, तो हम लोग जैसे मैंने पूरा सीन तैयार कर लिया, प्रोग्राम कर लिया वगैरह वगैरह, एंड फाइनली यार वो मजा नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, क्या मजा नहीं आ रहा है? देन आई यूज टू टेल देम, क्या मजा नहीं आ रहा है प्लीज टेल मी स्पेसिफिकली, और दे यूज टू कम एंड से, अरे यार वो कुछ टर्मिनेटर जैसा डाल दो, अरे वो जॉज में एक बैकग्राउंड था ना वो पीस टाइप का डाल दो। आई मीन ओके, देन आई यूज टू टेल देम ओके गो एंड टेक दैट पार्टनर, वैसे भी पायरेसी हम धड़ल्ले से कर रहे हैं, कॉपियां हम धड़ल्ले से कर रहे हैं, टेक दैट पार्ट, व्हाई यू बुक मी? बट दैट्स नॉट अ वे हेल्थी वे टू कम्युनिकेट। हमको समझना है क्योंकि फाइनली क्लाइंट इज अ क्लाइंट, वी हैव टू मेक देम हैप्पी, और अपना भी सिक्का ये करना है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी का क्लाइंट नहीं मिले, एंड इफ यू फील दैट ओके ब्राइट फ्यूचर नहीं है, डोंट वर्क विद अ क्लाइंट, आई वुड सजेस्ट कि छोड़, का क्लाइंट बदल दीजिए आप, इट इज अ बेटर आइडिया, राइट? फिर वर्ल्ड म्यूजिक को समझना बहुत जरूरी है, कितने स्केल्स हैं, कितने, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, वी हैव यानी एंड दीज आर वेरी ऑर्डिनरी साउंड्स, इसमें कहीं कोई ये नहीं कि हमने ये लगाया, हमने आपके सामने दो कीबोर्ड दिख रहे हैं एंड वी आर जस्ट सिंपली यूजिंग दोज कीबोर्ड। सो व्हाट आपका अपनी आपकी कल्पना शक्ति क्या है, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, एंड हाउ विल यू ग्रो योर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का डेफिनेशन साइकोलॉजी में है अनयूजुअल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज एंड इंजीनियस मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियस मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अनयूजुअल एसोसिएशन ऑफ आइडिया। हटके बोलते हैं ना, हटके, कई बार होता है ऐसा, हमने कुछ हटके, क्या होता है हटके, एक लड़का होता है एक लड़की होती है, प्यार हो जाता है, लिबिडो, सेक्स, ज्यादातर तो गाने, एंड होता क्या है अपनी फिल्मों में, जो बिकता है वो चलाते हैं, और बिकता है वो क्यों 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 बिकता है, क्यों लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को ये सब चीजें देखने की आदत पड़ गई है कि फलाने हीरोइन को 2 पीस में हमें देखना है, या फलाना ये, आई एम सॉरी फॉर माय माय क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई अपोलोजाइज, बट आई हैव टू एज एन इंफॉर्मेशन, आई इट इज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू रैशनली, देर इज नो अदर वे।
तो हमारा दृष्टिकोण ही यही है, ऑडियंस चाहती नहीं है, ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं है कि कोई जाके कि भाई ओके आर्ट मूवी क्या होता है, संगीत क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है. दोज हु एजुकेट देमसेल्फ, दोज हु रीड, दोज हु आदर करते हैं. देख उन्हीं का ही फिल्म एंगर ने बताया, बड़ी इनसाइड आउट एक मूवी है, आप प्लीज देखिए उस मूवी को. इट्स एन एनिमेटेड मूवी, सो प्लीज वॉच इट. क्या सोच है उनकी, एक कैरेक्टर है अपने अंदर का ही, दिमाग के अंदर के कैरेक्टर्स हैं. वन कैरेक्टर इज एंगर, वन कैरेक्टर इज फियर, और एक व्यक्ति है वो जा रही है, उसके साथ क्या घटनाएं हो रही है और उसके क्या फीलिंग्स है. टू सी दैट मूवी, व्हाई कांट वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? बिकॉज इफ समवन वांट्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. एक डॉक्टर की मौत एक फिल्म थी, आप देखिए क्या कंसेप्ट है. ऐसे कई फिल्में हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, और आज भी अच्छी फिल्में बनती हैं जहां तक मैं समझता हूं कि रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, बसंती, वो जो डायरेक्टर है वो अच्छा काम करते होंगे. मैंने काम करना छोड़ दिया बिकॉज आई आई कांट वर्क इन दिस सिचुएशन, नहीं करना मुझे. या लर्न लिसन टू वर्ल्ड म्यूजिक. वर्ल्ड म्यूजिक यानी पोलैंड में कौन क्या सुना जाता है, जर्मनी में क्या सुना जाता है, जर्मनी में कितने टाइप के संगीत है, टर्की म्यूजिक क्या है, अरबिक म्यूजिक क्या है, तिबेटियन म्यूजिक क्या है, स्केल्स क्या है, स्केल के डिफरेंसेस क्या है, श्रुति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम, वॉइसिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. सी वी आर ओवर फैसिनेटेड बाई जैज म्यूजिक, वी आर ओवर फैसिनेटेड बाई रॉक म्यूजिक, वी आर ओवर फैसिनेटेड बाई ओवर फैसिनेटेड. सो प्लीज पहली बात तो फ्रेम कंसीव करना बात एक है. अब हम डायरेक्टर को बोल नहीं सकते क्योंकि डायरेक्टर हमारे ऊपर की बॉस, किसी को गुस्सा आ गया आप गुस्से मत होइए, कोई बात नहीं, मैं आपको कर लूंगा बाद में अनफ्रेंड कर दूंगा और क्या कर. तो एनी नाउ आई गो थ्रू सम क्वेश्चंस, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बैकग्राउंड्स. थैंक यू सुनील जी एंड वेलकम एवरीबडी, राकेश परमार एंड एवरीबडी. राकेश आई प्ले द थीम ऑफ दैट मूवी. सो इन द मीन टाइम मैं आपको, किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए. ट्राई टू यूज अनयूजुअल साउंड्स इन द मूवीज, स्पेसिफिकली अभी एडमंड एगन जिन्होंने कॉन्टेनियम का सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग किया है, उन्होंने एक पीस अपलोड किया था हम लोग के पर्सनल प्राइवेट ग्रुप के टाइमलाइन में, कोई मूवी के लिए यूज किया था, एंड इट वाज जस्ट सिंगल कॉन्टेनियम साउंड, एंड आई कुड नॉट बिलीव. इससे अच्छा इम्पैक्टफुल मैंने कोई सीन नहीं देखा है मेरी लाइफ में. आई मीन एक समंदर के किनारे कोई लड़की, एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, वो एक दूसरे को डाउट कर रहे कि ये मुझे मार डालेगी या मैं उसे मार डालूंगा, या और उसमें फाइनली लड़की पीछे से स्टैप कर देती है, ऐसा एक सीन था, एंड दैट वॉज जस्ट अमेजिंग. जस्ट वन कॉन्टेनियम, वन कॉन्टेनियम, नो अदर इंस्ट्रूमेंट. सो इट इज नॉट अबाउट वॉट लाइब्रेरीज यू हैव, इट इज और नॉट अबाउट वॉट कंसेप्ट. कई बार लोग इतना भर देते हैं और फिर मिक्सिंग में जाते हैं तो जो जो फाइनल, क्योंकि उनको साउंड देखना है. सुशील जी, दिस इज डेडिकेटेड टू बैकग्राउंड, सो आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू बैकग्राउंड. देखो किसको रोना आया, मैं उसका अभी म्यूजिक बजाता हूं. Can you read the second question again? ओ आई कैन नॉट से एनीथिंग, टेल मी अबाउट म्यूजिक. आई कैन नॉट से एनी एनी कॉमेंट फ्रॉम डायरेक्टोरियल साइड या फोटोग्राफिकल साइड. आई दिस गाइज क्राइंग मैन, कैन यू प्लीज एनी क्वेश्चन? ओके, फैंटेसी म्यूजिक यू कैन यूज पैड्स, वॉक्सीज, ये सिंपल हारमोनी है. यू कैन यूज मेनी साउंड जिसके अंदर इफेक्ट्स कंटिन्यू करते हो. मैं आपको
आई मीन बैकग्राउंड म्यूजिक अरेंज करने के पैरामीटर्स क्या है? स्टिल इट इज नॉट स्पेसिफिक, स्टिल इट इज नॉट स्पेसिफिक, मेक इट मोर स्पेसिफिक. Make it more specific, because parameters, there are thousands of parameters. In what sense you are saying, I don't understand. Like now, this is a plain chorus sound. 9820482868. 9820482868. I am not very easily available on phone. मुझे आप Facebook पे message कर देंगे, मैं तुरंत reply back कर पाऊंगा. क्योंकि ज्यादातर फोन मेरा साइलेंट पे होता है और या सपोज फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग सम कैसे बैठे मान रहे आई हैव यूज्ड कोरस इन दिस some more fantasies I can find in this drum, bass, in woodwind, string, vocals, trumpet, or brass. I hope you did not clarify if you are saying about the systems or synchronization or link or sync or this is not the right session. Right session is I am talking about the title is the psychological background music and psychology. I think to practice background music arrangements, you should choose a scene. Yeah, very good idea, Amit. Amit, very good idea. Yeah, what I used to do before, like, मैंने एक फिल्म की थी काल भैरव. वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, unfortunately. पर दैट वॉज द फर्स्ट फिल्म आई डिड ऑन वन सैम्पलर दैट वॉज W30 रोलैंड. और मैं जब स्टूडियो में गया था तो लोग जो साउंड इंजीनियर थे उन्होंने जैसे अच्छा कौन कौन आ रहा है तो डायरेक्टर ने कहा राकेश वर्मा जो अभी देख रहे हैं तो कहा कि नहीं भाई ये तो एक ही कीबोर्ड प्लेयर है. तो ही वॉज लिटरली एंग्री कि अच्छा वायलिन वगैरह कुछ भी नहीं है, ढोलक तबला कुछ ही नहीं है, सोलो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है. बट आई हैड ऑलरेडी प्रोग्राम मैनी ऑफ द थिंग्स, मैंने चैंट्स उसमें क्योंकि वो मंत्र तंत्र पे थी फिल्म. सो यस फॉर दैट आई हैड वीडियोस थे उस जमाने में, तो मैंने वीडियोस से ऑडियो टेप पे ओमेन और उस टाइप की फिल्में हैं उनको सुन लिया था. वॉट आई डू इन जनरल इज मैं बहुत सारी फिल्म देख लेता हूं एंड देन सीख के उसको अनलर्न कर देता हूं ताकि उसका कोई भी हैंगओवर मेरे में ना हो. नॉर्मली ये किया जाता है कि भाई क्या है कि अगर मुझे सस्पेंस मूवी बनानी है या डिटेक्टिव एजेंट पे मूवी बनानी है तो मैं देख लूंगा फिल्में और एक बन जाएगा कि ऐसे बना के मैं इसमें से ये कर दूंगा कि ऐसा कुछ कर दूंगा. मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं बहुत सारी फिल्में देख लेता हूँ. यानी समझो एक सब्जेक्ट पे मुझे फिल्म बनानी है तो दुनिया में जितनी भी फिल्में बनी हैं उसमें से तकरीबन 60-70 फिल्में देख लूंगा और उसमें से मेन फॉरवर्ड मेन सीन्स है उसको रैंडमली उसको मेरे माइंड में रिकॉर्ड कर लेता हूँ. एंड देन मुझे एक ये समझ में आ जाता है कि भाई इन्होंने जैसे मैंने कहा कि फुलन देवी की जो फिल्म थी बैंडिट क्वीन, तो बैंडिट क्वीन के अंदर एक सीन जब वो आई मीन शी इज वो हताश हो गई है अंदर उस टाइम पे क्या म्यूजिक बजाया, तो उन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब का एक स्क्रीम वाला आलाप रखा हुआ है. एंड देयर इज नो बेटर ऑप्शन टू दैट. आई वुड सजेस्ट प्रहार फिल्म में
जो बैकग्राउंड दिया है प्लीज चेक करिए आप, या ऐसे आर्ट मूवीज हैं प्लीज चेक करिए। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जॉन विलियम्स और जो आर्ट टॉप 10 जो बैकग्राउंड है उनसे प्रभावित है, कैपिटलिज्म इस पे भी आ गया है कि जो बड़ी कंपनी और अप्रूव भी हो जाता है क्योंकि वो सुना सुना सा लगता है। बट देन हम लोग एक चीज चूक जाते हैं कि वी फॉरगेट दैट हमको अगर हटके करना है तो हमको हटना पड़ेगा। हम यही बैठते हैं, हम वही जॉन विलियम्स और वही जेम्स लास्क है, वही यू मस्ट लिसन टू सिम्फनीज वॉट इज एंड यू शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन जुबिन मेहता सिम्फनी एंड इसराइल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा या लंदन फिलहारमोनिक, उनका क्या डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसमें PhD करिए, पर आपके कान को उतना तेज रखिए कि ठक 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 ऐसे स्विच चेंज होना चाहिए, या एक जैज बैंड और दूसरे जैज बैंड में क्या अंतर है, वो जब तक आप नहीं समझोगे। ट्रायोज सुनिए, बहुत सारे ट्रायोज, वायलिन वियोला कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्टेट सुनिए, क्या फर्क पड़ता है कौन से सीन में। मैं आपको अभी एक फॉर एग्जाम्पल कुछ करके बताता हूं, दैट गिव्स यू द इंस्टिंक्ट एंड आइडेंटिटी। डोंट वर्क विथ आइडेंटिटी। सारी फिल्मों का संगीत एक जैसा लगता है, सारी फिल्मों का बैकग्राउंड एक जैसा लगता है, एक वो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें बजा लेते अरबिक स्टाइल में एंड देन दे आर हैप्पी एंड क्लिंग क्लॉन्ग, वो पियानो बज जाता है जो पिछले 50 साल से वही बज रहा है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग पियानो इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, बट डोंट वी हैव अदर थिंग टू थिंक। जैसे अभी जस्ट इन्वर्जन, कल अद्वैत ने बहुत अच्छी बात कही थी कि व्हेन दे प्लेस C major 7 तो ये ड्रॉप पोजीशन कर देते, एक चीज को उठा देंगे वो लोग, दैट इज इनफ टू गेट द वॉइसिंग। ये C add 9th है, इट साउंड्स ग्रेट व्हेन इट कम्स ऑन अ बिगर स्क्रीन विथ अ प्रॉपर अटैक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे मैन्युअली करके बताता हूँ, then the unusual progressions. For example, if I am using, it's an analog string sound, main i3 string kar raha hu, now I'm playing G, 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 let me go to C sharp minor, B flat minor, E minor. That's enough to create one different groove. Now, क्योंकि यहां साउंड का लिमिटेशन है, यू कैन हैव ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ साउंड, यूज योर कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर, एंड यू कैन गो अराउंड विथ इट एंड यानी इट्स अप टू यू, यू शुड बी अ ग्रेट म्यूजिशियन, ग्रेट सिंगर एंड अ ग्रेट विजुअलाइजर। यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज म्यूजिक, कान को आंख फिट कर दो कान में। दिस विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन कि आप अपने कान को आंख बनाइए। एंड वेन यू विजुअलाइज अ सीन, आपने देख लिया कि एक लॉन्ग शॉट है, उसके तुरंत बाद 4 क्लोजेस है, उसके बाद उसमें 4 में से 2 में रिएक्शंस है, यू हैव दो सेकंड्स, यू काउंट डाउन दो सेकंड्स एंड देन व्हाटएवर इज योर जरिया, आप जिस जरिए पे उसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू डू सेपरेटली, इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल सेट ऑफ ब्रेन। बट पॉइंट इज सबसे पहले, बिकॉज जैसे हम एक अच्छी धुन होती है कि वही दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता, अभी क्योंकि मेलोडी इतनी पावरफुल है, अब मैं इसके अंदर समझो कि मुझे लगा कि नहीं यार अब कोई एक जगह पे यही गाना बैकग्राउंड में लेना है,
सो वॉट वी विल डू, आई एम यूजिंग वेरी ऑर्डिनरी साउंड प्लीज, इसके लिए क्योंकि साउंड के पहले आता है दिमाग. सी माइनर है ये, समझो बराबर. सो लेट्स अभी मैं दर दर द फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि माई फर्स्ट मेलोडी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई डोंट नीड. हाँ, देर आर सर्टन प्लेसेस वेर यू कैन प्ले विथ स्ट्रॉन्ग, जैसे शोले में था टाचाना. सो दैट्स इफेक्ट बेस्ड म्यूजिक. दैट्स देर आर फ्यू प्लेसेस इन द मूवी और योर टीवी सीरियल और वॉट एवर वेर दैट थिंग कम्स, कि जहां आप इफेक्ट्स को यूज कर सकते. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम Indian movies are more kinesthetic based, more emotion based. So they, मतलब वो जब तक ऐसा नहीं होता है लोग continue नहीं करते हैं. आज की generation ऐसी नहीं है, पर अब तक की जो generation थी कि जब तक यार वो उनको पकड़ नहीं लेंगे audience को तब तक नहीं, तो वो फिर बीड़ी पीने चले जाते थे पहले जमाने में. So you have to have a strong melody or a strong harmony line or a strong voicing, not sound. Voicing of your drop positions. यानी अगर मैंने जैसे बताया कि C add ninth बजाना है तो रे ग एंड सा ऊपर है. अभी G डालता हूं मैं यहां से. Actually, it is not पहले versus now, राजेश जी. No, it's not. I don't believe in that theory. बल्कि आज का संगीत, आप रहमान जी का voicing सुनो. रहमान जी इतना अच्छा voicing करते हैं उनकी फिल्म में, मतलब pleasant voicing होता है जैसे हॉलीवुड मूवीज में होता है वैसे. इट्स आई डिसएग्री टू कि वो पहले बहुत अच्छा था और अभी कुछ नहीं है पहले किस तरह के म्यूजिक. आई एम सॉरी मैन, आई डोंट वॉन्ट टू पुट एनीबडी डाउन. पर जब भी ये पहला पुराना वर्सेस नया आता है तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं. परिवर्तन संसार का नियम है. वी नीड टू एक्सेप्ट ऑल न्यू फैक्ट्स. एक्सेप्ट की जो मैंने कहा कि जहां टू पीस में एक हीरोइन को देखने आप फिल्म देखने जा रहे हो बड़े स्क्रीन में देखने, सो देन इट्स योर, आपकी देखने की चॉइस घटिया हुई है. यू वॉन्ट टू सी दैट, वाई डू मूवी में क्या देखना चाहोगे आप? मूवी में यू गो एंड सी अ स्टोरी, यू सी अ ट्रीटमेंट, you see an intelligence of a director, of a creator. Why you stick to, aap apne audience apne man mein leke jaati hai ki mujhe ye to dikhna hi chahiye. Main aapko ye baat batata hu because I have been studying distribution. Rajkot mein main jaake distributor ke office mein baithta tha, to wo bolta hai, ek distributor bolta hai, mota director hum hote, director nahi hota. Matlab ye kya baat hui? To bolta hai ki Iqbal dekh raha hai to he must be relating. Wo bolta hai yaar मेरे थिएटर में ऐसे ऑडियंस जाएगी मैं काट देता हूं. गाना अगर पुअर है, सीन पुअर है, तो वो काट देते थे वो फिल्म. सो नो, अभी जैसे मैंने कई फिल्मों में ऐसा संगीत दिया है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है. उस जमाने में संगीत बन रहा था, या जिस तरह आप टाइटल्स की बातें कर रहे हैं, दे वर नॉट अप टू द मार्क. दे वर बिकॉज आई हैव बीन इनटू दैट इंडस्ट्री, दैट एरा, और मैंने कम से कम 10 से 12 फिल्में छोड़ दी है लेने के बाद कि भाई आपके एडवांस वापस, मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है. बिकॉज आई कुड नॉट सी कि इस तरह से मैं, आपको चाहिए आपको कोई और करके देगा ना. इसीलिए तो स्टॉप म्यूजिक आ गया था बाद में कि आप क्या क्या करोगे. वही सेम सेम, यू डोंट हैव, ईच फिल्म मस्ट हैव अ सेपरेट ग्रूव.
ईच फिल्म, जैसे आपको मैं आपको बताऊं, नैना बरसे रिमझिम, उस फिल्म में आप जाके देखिए दैट, उस फिल्म के बाहर आप निकलोगे तो वो नैना बरसे रिमझिम वो आपके मन में उसका बैकग्राउंड चल रहा होगा. सो दैट इज अ सेपरेट ग्रूव. पर अब वो वही ग्रूव को लेके फिर देखा, अरे गाना हिट हो गया है, फिल्म हिट हो गई है, चलो एक काम कर दो अपनी फिल्म में भी यही डाल दो. देन द डुप्लीकेशन बिजनेस स्टार्ट्स. देन डुप्लीकेशन इज नॉट कॉपिंग, कॉपिंग अलग चीज है, डुप्लीकेशन अलग चीज है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इस फिल्मों में कान लोग खुश होते हैं, ऑडियंस खुश होती है, यार उसके लिए ये 80% है, 65 to 80% इज योर विजुअल. और इसीलिए फिल्मों में वक्त के चलते सेंसर बोर्ड को पास करना पड़ा करना पड़ा, सेंसर बोर्ड में भी डेवलपमेंट आया और कपड़े की साइज छोटी होने लगी, तो लोग बड़े स्क्रीन पे कपड़े देखने जाते हैं. या आई मीन काइंड ऑफ, सो दैट्स नॉट द क्राइटेरिया. आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं वो संस्कृति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. एंड प्ले द टाइटल म्यूजिक. नो व्हाट, मैं वही, मैं आप जो कह रहे हो मैं उसी का ही नाम, मैं वही ये कहना चाहता हूं कि नो इट इज नॉट लाइक दैट. कि वैसे तो शोले का टाइटल से अच्छा कोई भी टाइटल सुनना है आपको तो आप सुनिए कैसी जी का शालीमार का, द बेस्ट टाइटल एवर मुझे लगता है. बट द मोस्ट पॉपुलर टाइटल एवर वॉज शोले, कश्मकश, जॉनी मेरा नाम. हाँ वो, हाँ काउबॉय मूवीज के बैकग्राउंड से दे हैड देयर ओन ग्रूव. जैसे अभी हु मेक्स माय हार्ट बीट लाइक थंडर, वो उसका भी आप नजर, वो विजुअल्स से वो एक समा बनता है. जैसे महबूबा महबूबा गाना था, तो वो गाने, वो गाना इटसेल्फ वाज अ ग्रूव, कि वो जब गाना सुनते हो तो वो पूरी फ्रेम आपके सामने आती है, सो दैट एंटायर थिंग बिकम्स अ ग्रूव. तो मैं राजेश जी जो बात करना चाहता हूं वो मानसिक स्वरूप से, मन, साइकोलॉजी एंड संगीत. इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज सेलेबल, नो सेलेबल के लिए, मैं सेलेबल के अगेंस्ट की बात कर रहा हूं. और लोगों को उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी. पर ऐसे अपने यहाँ कोई बॉडीज नहीं है, ना ही ऐसे एजुकेटिंग सिस्टम है, ना ही कोई एनजीओ इस पे काम कर रहा है. इसके लिए हम अब क्या करें, फ्राइडे सैटरडे संडे है, एक फिल्म तो देखनी पड़ेगी. कौन सी लगी है, मैंने अक्सर सोसाइटी में ऐसी बात, कौन सी लगी, हाँ भाई देख आते हैं भाई, चलो अब बच्चे लोग हैं तो अभी क्या छुट्टी है तो गए गए गए. कौन सी देखी, अरे फलानी देखी. कैसी लगी, हाँ ठीक है भाई, टाइम पास है टाइम. आई मीन वॉट वी कैन टेल देम, वी कैन चेंज द टेस्ट एंड ऑडियंस इज रेडी टू लिसन टू ग्रेट थिंग्स. अगर यही ऑडियंस संतोषी मां नाम की 4 लाख की फिल्म में पैसे फेंक सकती है, मंदिर बना सकती है वो माता जी का, सो इट्स ऑल अप टू एनीबडी. हैज एनी क्वेश्चंस? काइंडली गिव मी योर फीडबैक, तो मैं आगे इसका दूसरा सेशन करूं, नहीं तो फिर मैं कोई और सब्जेक्ट पे, क्योंकि आज वरेनियम वॉज सपोज टू डू द सेशन ऑन वॉइस कल्चर. हाय देबू, कैसी रही लंदन ट्रिप? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, बिकॉज आई एम क्लोजिंग नाउ. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बैकग्राउंड और एनी कमेंट्स, किसी को कोई कुछ पूछना है, अपनी राय रखनी है, या कोई एनी पॉइंट विच यू वांट. गुलाम जी, सतीन पोडवाल इज वाचिंग, राशिद जी देख रहे हैं, क्या बात है. नुसरत जी, अश्विन चावड़ा, एनीबडी हैज एनी, दीपक भाई देख रहे हैं, किरण जी देख रहे हैं, नंदिनी बहन इज वाचिंग. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंटिन्यू, वी लाइक इट या, बट आई सी देर आर 10 पीपल वाचिंग, इट्स अ हेल्दी अमाउंट, आई एम नॉट नथिंग अगेंस्ट. टेम्पो किस पे डिपेंड करना चाहिए, कैन यू स्पेसिफाई टेम्पो किस पे डिपेंड करना चाहिए. ओ यस, वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन.
pace. You're talking about the pace. Visual has a pace. Hamara man 360 shabd per minute par sun sakta hai, par hum utna fast bol nahi sakte hain. 360 words per minute. Usi tarah se hum jo dekhte hain, ये दृष्टि सातत्य में आता है. ये सारी चीजें दृष्टि सातत्य की है. वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट दैट. कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये पॉइंट मैं मिस कर गया था. कई बार ऐसा होता है कि एक डायरेक्टर आता है और यार यहां पे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और एक डायरेक्टर बोलता है कि छोड़ दीजिए यहां पे कुछ नहीं चाहिए. या आपने एक पार्ट बनाएगी डन डन समझो, एक पार्ट बनाया आपने. सो इसका ये ऑटोमेटिकली ये पेस बन गया, राइट? तो समझिए 90s में होगा या पता नहीं क्या टेम्पो है, मैं देख के बताता हूँ. टन टू एंड थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर. 85 का टेम्पो ये. सपोज 85 टेम्पो का ये पीस बना है ना. एक व्यक्ति है, वो खड़ी है और उसके मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही है. नाउ द विजुअल इज लाइक दैट, दिस दिस एंड दिस. इट टेक्स 1 मिनट फॉर दिस थ्री डिफरेंट पॉस्चर्स, बॉडी पॉस्चर्स. व्हाट वी थिंक इज 85 ऑफ टेम्पो. डायरेक्टर्स वांट्स ये टेम्पो चाहिए. डायरेक्टर को चाहिए, समझिए 150 का टेम्पो चाहिए. ये टेम्पो चाहिए. ये टेम्पो चाहिए. ये टेम्पो चाहिए. सो दिस इज 167. क्योंकि उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही है तो वहां पे कुछ डायलॉग्स नहीं है, समझो. प्रहार में नाना पाटेकर जी ने वो जब देर इज अ सीक्वेंस वेयर उनको यहाँ पे लग जाता है, यानी गोल्स है, और उसमें उन्हें बोंगो का इस्तेमाल किया है. मैं भूल गया उसका संगीत. ऐसे चलते रहता है और वो उसमें बोंगो का सोलो है. दैट्स अ माइंड ब्लोइंग पीस. वो सुनने लायक है. सो यू नो दैट पेस, बिकॉज हो क्या रहा है कि वो यूं मार रहे हैं, यूं मार रहे हैं, कोई एक आदमी आके आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, फिर उसको एक फैंट मारा, वो सब चल रहा है दैट सीन. बट दैट नाना पाटेकर जी ने वो चीज को एम्फेसाइज किया है. आई वर्क विद नाना पाटेकर जी. पुरुष नाम के प्ले का बैकग्राउंड किया था एंड ही ऑलवेज हैड दैट. बिकॉज हाउ विल यू एक्सप्रेस योर, अरे ऐसा कैसा कर दिया तूने, सपोज ये है. तो मैं अगर खड़ा हूं, इट डज नॉट मेरे मन में. सो देर आर टू पेसेस. वन पेज इज व्हाट इज द विजुअल एंड सेकंड पेज इज व्हाट इज द साइकोलॉजिकल चेंजेस विद इन अ पर्सन दैट यू कैन शो इन अ टेम्पो. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सुशील जी, आई एम नॉट इन टू सॉन्ग. ये सॉन्ग वाला नहीं है. गाने का बैकग्राउंड नहीं होता, गाने का काउंटर होता है, गाने के हारमोनीज होते हैं. So, गाने का बैकग्राउंड नहीं होता है. बैकग्राउंड इज इनसाइड द फिल्म. मैं उसकी बात कर रहा हूं कि एक शूटिंग हो चुकी है, उसको एडिट कर चुके हैं और आपके पास जो एक रॉ फिल्म आई है उसको आप क्या प्रेजेंट करोगे. कहां साइलेंट यूज करना है, कहां पे यूज करना है. सो आई थिंक आई एम डन विद द स्टफ सीन के हिसाब से. ओके, एक गाने का जी, गाने का बैकग्राउंड के लिए मैं अलग से लाइव करूंगा एंड आई हैव डन इट ऑलरेडी. आप देख लीजिएगा मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं. बिकॉज यू हैव जॉइंड न्यूली तो आपको शायद नहीं पता होगा, बट देर आर एंड इफ यू डोंट फाइंड इट आस्क राहुल गोस्वामी फ्रॉम सूरत. ही इनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि कौन से वीडियो में कौन सी मिनट पे क्या बोला हुआ है. सो एनीवे आई एम लेट मी समराइज. Harps, glocks, tubas, you can use. And let me finish with a piece. अगर कुछ अच्छा मिल जाए माल.
यू शुड सी ऑपरास, बहुत ऑपरास, क्योंकि ओपेरा में ड्रामा एंड सिम्फनी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. इफ यू सी ऑपरास, बहुत मिलेगा आपको उसमें से. चेंज ओवर्स होते हैं, सीन्स के चेंज ओवर्स होते हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती हैं. Spontaneous thing. I am not, it is not a composed thing. People can see.
Thank you.
I played was a totally spontaneous stuff. You can fix up the things, you can fix up the themes, and then jaise pehle zamane mein hota da 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 ya koi aur film ke jaise themes bahut bahut famous hue the, jaise abhi dil ko pukara, ye mujhe Arvind ji ne bataya tha ki it was a theme from some other movie which he composed and then it was taken as a song. So theme hai ya jaise Kaisi ji ne, you can see, watch it on YouTube, and 11 matra ka tha and how he divided it is all on the YouTube, you can watch it. So bye bye, any questions please let me know.